चलिए बच्चों बात करते हैं अगले प्रश्न के। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है कविता का सारांश। तो भाई कविता का सारांश इस बात को लेकर है, यहाँ पर कवि रविन्द्रनाथ टैगोर कवि भगवान से निवेदन करते हैं, हे प्रभु मुझे संकटों से मत बचाओ, बस उनसे लड़ने की शक्ति दे दो। भाई सामान्य आदमी तो कहता है जीवन में कठिनाई आए ही ना, कोई भी दिक्कत ना हो, पर इसके विपरीत हमारे कवि महोदय कहते हैं कि बस मुझे जो है ना जीवन में दुख सहने की शक्ति दे दो, ठीक है, कोई भी कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए मैं उसको सहकर निकाल दूं। आगे कवि कहते हैं, कोई सहायक ना मिले तो भी मेरा बल ना हिले, मुझ में इतना आत्मबल हो कि मैं किसी पर निर्भर ना रहूं, हानि में भी ना नहीं हारूं, और मेरी रक्षा ना चाहे ना करो किंतु मुझे तैरने की शक्ति जरूर दे देना, मुझे संतावना ना दो किंतु दुख झेलने की शक्ति अवश्य दे देना। तो कुल मिलाकर कवि ये कहता है कि जीवन में आने वाली विपत्ति को तो हम टाल नहीं सकते, पर उसको सहने की जो शक्ति है, हे प्रभु मुझे वो प्रदान करिए ताकि मैं अपना जीवन जो हूँ बड़े आत्मनिर्भर रूप में शक्तियों से युक्त होकर लड़ते हुए जीवन जी सकूं।